हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए खूबसूरत से बेबी शूज़ लेकर आई हूँ। ये शूज़ न्यूबॉर्न बेबी से लेके 3 महीने के बच्चे को इजीली आ जाएंगे और ये शूज़ बनाने बहुत ही आसान है और देखिए बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये बेबी शूज़ के लिए हमने 50 फंदे लिए हैं। फंदे डालकर अब ये हमारी पहली सिलाई है उल्टी साइड से, तो हम देखिए सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। अब हम देखिए सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से हमने फंदे को ऐसे उतारना है। अब हम सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। आखिर का फंदा सीधा बुनाई करेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से हमने पहले फंदे को उतार लेना है। सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम देखिए उल्टी साइड से भी उल्टा बुनाई करते जाएंगे और सीधी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करेंगे। आखिर के दोनों फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। ये देखिए, ये हमारे शू का पहला भाग बनकर तैयार हो गया। यहाँ से अगर हम धारियाँ गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये सीधी साइड से 12 धारियाँ हैं। टोटल हमने ये 24 सलाइयाँ बुनाई की हैं। अब हम देखिए शू का अगला भाग बनाएंगे, तो ये टोटल हमारे 50 फंदे हैं। तो हम पहले ये 12 फंदों को बंद करेंगे सीधी साइड से। तो हमने ये 12 फंदों को कैसे बंद करना है, कि हमने इसको ऐसे, ये दो फंदों का हमने एक बनाया, इसको एक गिनेंगे और उल्टा ही बंद कर रहे हैं। एक, फिर ये दो फंदों का एक बनाया, दो, फिर इस फंदे को सिलाई पे लिया, दो फंदों का एक बनाया, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और 12। ये हमने देखिए 12 फंदों को बंद कर दिया। अब ये हम पूरी सिलाई उल्टी बुनाई करेंगे। आखिर का फंदा सीधा बुनाई करेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से भी अब हम 12 फंदों को बंद करेंगे, जैसे हमने सीधी साइड से बंद किए थे। ये दो फंदों का एक बनाया, एक, फिर इस फंदे को सिलाई पे लिया, दो फंदों का एक बनाया, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात,
आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह। ये हमने बारह फंदों को बंद कर दिया। अब ये हम बाकी बचे फंदों को उल्टा बुनाई कर देंगे। आखिर का फंदा सीधा बुनाई करेंगे। अब देखिए 12 फंदे हमने इस साइड से घटा दिए, 12 फंदे इस साइड से घटा दिए, बीच में हमारे ये 26 फंदे हैं। अब हम ये सीधी साइड से सभी फंदों को, पहला फंदा उतार लिया, सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। अब हम दूसरे रंग का वूल लगाएंगे। अब दूसरे रंग से हमने सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे और इस धागे को हम साथ की साथ अंदर की तरफ करते जाएंगे। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से अब हम पहले वाले रंग से सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। अब देखिए हमने दो सलाइयाँ, ये दूसरे रंग से उल्टी उल्टी बुनाई करनी है और दो सलाइयाँ हमने पहले वाले रंग से उल्टी उल्टी बुनाई करनी है। अब ये शू पर हम धारियाँ बनाएंगे। ये हमारे शू का ये दूसरा भाग भी बनकर तैयार हो गया। यहाँ से अगर हम धारियाँ गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 धारियाँ हमने बनाई हैं। टोटल 16 सलाइयाँ हमने बुनाई की हैं। देखिए हम उल्टी साइड से अब ये पहले वाले रंग से सारी सलाई को उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए। अब हम फंदों को घटाएंगे तो हमने पहला फंदा उतार लेना है। देखिए दो फंदों का हमने ऐसे उल्टा एक बनाना है, फिर अगले दो फंदों का उल्टा एक बनाना है, फिर अगले दो फंदों का उल्टा एक बनाना है। अब हमने इसको ऐसे ही बनाते जाना है। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से हम ये दूसरे रंग से सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे।
अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से फिर से हम फंदों को घटाएंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, फिर हमने दो फंदों का उल्टा एक बनाया, फिर अगले दो फंदों का उल्टा एक बनाया, फिर अगले दो फंदों का उल्टा हमने एक बनाना है। अब हमने ऐसे ही इन फंदों को घटाते जाना है। अब हम उल्टी साइड आ गए। अब हम पहले वाले रंग से सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। अब ये हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे। अब हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, सारी सिलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे। देखिए ये हमारा शू बनकर तैयार हो गया। अब हम यहाँ से इस धागे को काट देंगे। इसी धागे को अब हम सुई में डालेंगे। अब देखिए हम यही वाले धागे को सुई में डालेंगे। ये सभी फंदों को अब हम इस सुई में से निकाल देंगे। एक बार फिर से हमने इन फंदों को सुई में से निकाल देना है। ये देखिए यहाँ से हमारा ये राउंड बन गया। अब हम शू की सिलाई करेंगे, तो इसको हम सीधी साइड से सिलाई करेंगे, धारी से धारी को मिलाकर। तो अब हम कैसे सिलाई करेंगे, हमने देखिए यहाँ से अब हम सिलाई शुरू करेंगे। हमने देखिए ये वाला, देखिए ऐसे ये सुई का मुंह हमने इस साइड रखना है, ये वाले स्टिच को ऐसे लेना है और इसको ऐसे। अब यहाँ से भी हमने एक स्टिच को ये सफ़ेद वाले को लेना है। अब हम ये नीले वाले से एक स्टिच को लेंगे। अब यहाँ से भी हमने नीले वाले से एक स्टिच लेना है। अब हम इस साइड से ये सफ़ेद वाले से यहाँ से एक स्टिच लेंगे, फिर यहाँ से भी हमने सफ़ेद वाला एक स्टिच लेना है। अब हम नीले वाले से एक स्टिच लेंगे और यहाँ से भी नीले वाले से एक स्टिच लेंगे। अब हम ऐसे ही इसको सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा आगे का भाग हमने सिलाई कर लिया। अब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे।
अब हम इसको उल्टी साइड से देखिए, ये एक्स्ट्रा धागे को हम अंदर की तरफ कर देंगे। ये हमारा आगे का भाग हमने सिलाई कर लिया। अब हम पीछे वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे और यही वाला धागा हम सुई में डालेंगे। अब इस धागे को हम अंदर की तरफ कर देंगे। ऐसे ही खूबसूरत से शूज़ आप अपने बेबी के लिए बनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।